नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। तो नेतागण आपसे मिले हैं, इसके लिए आपने क्या सुझाव दिया है और आगे इसके लिए क्या प्रोग्रेस होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। इनके तीन चार मुद्दे हैं जो मुख्य तो रूप से सामने आए हैं। पहला, जो वोटर लिस्ट में इनका पर्सनल ग्रीवेंस है कि इनका नाम नहीं आ पाया है, उसका इनको टेक्निकल पूरा रूल पोजीशन बता दिया गया है। जब नोटिफिकेशन चुनाव के होंगे उसके बाद एक और मौका 3 दिन का दिया जाएगा, उस दौरान ये अपने कागज़ों को प्रस्तुत करें और अपना नाम अंकित कराएं इस लिस्ट में। नालों को लेकर जहाँ तक बात है तो नालों की सफाई व्यवस्था देखी जा रही है, और अगर उनको कवर करने की और मच्छरों के स्प्रे कराने की जो बात है वो लगातार हो रही है, उस एरिया में हम फिर से अपने स्टाफ को भेज करके और थोड़ी मुश्तैदी से करवाएंगे वो काम। और जहाँ तक सड़क की बात है, फंड हमारे पास बिल्कुल नहीं है छावनी परिषद के पास, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सभी जानते हैं आगरा में, मगर फिर भी हम पैचवर्क कराने की अपने तरफ से जितनी जल्दी हो सके संभव कोशिश करेंगे। अभी जो आप सर मैम से मिले हैं, इस संबंध में मैम से मुलाकात की है, उस पर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे, मैम ने क्या कहा? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके जितने दर्शक हैं, आपके माध्यम से मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, छावनी में आने वाले समय में जितने मेंबर हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका समय 5 वर्ष अवधिकाल पूरा होने जा रहा है। अखबार के माध्यम से पता चला था कि आगामी वर्ष में 2020 में ये चुनाव छावनी परिषद का होना है, तय है। तो क्षेत्रीय लोगों की ये समस्याएं लेकर, मतदाता सूची को लेकर हम आज कैंटोनमेंट की सीईओ से मुलाकात करने आए थे, तो हमारे प्रेसिडेंट और हम दोनों आए थे, उनसे बातचीत हुई जी। मैम ने क्या आश्वासन दिया आपको? जिस प्रकार से हमने अपनी लिखित में शिकायतें करी हैं, बताया है लोगों के लिए कि भाई किस तरह से समस्याएं हैं, क्षेत्रीय मतदाता सूची से जो चिन्हित लोगों के नाम गायब कर दिए इन्होंने, ये किस प्रकार से इन्होंने मतदाता सूची प्रगणक किस प्रकार से कार्य कर रहे थे इनके सभी वार्डों में, इस तरह की कुछ बातें हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं लोगों की, वो सारी समस्याएं रखी आज छावनी परिषद के पटल पर। मैम ने आश्वासन दिया है कि कार्य होगा? हाँ, छावनी परिषद की जो सीईओ हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, जो मेन समस्याएं हैं उनको तो दूर करना ही पड़ेगा भाई। पब्लिक के लिए आप बैठे हुए हैं, आपको ये समस्याएं पब्लिक की तो दूर करनी पड़ेंगी, इसमें तो कोई आपको ये नानुकुर करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। थैंक यू। खड़े हुए हैं छावनी परिषद कार्यालय पर, जहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं लेके जो मैडम से मुलाकात की, और मैम ने आश्वासन दिया है कि जल्दी उस कार्य को वो कराएंगे। जनवाद टाइम से प्रताप सिंह आज़ाद आशीष वजन के साथ। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।